ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਅਰੇ ਡਰ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸਾਰੇ ਜਦ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਏ ਹੋ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ परवाह है तो ये निकल रहा है साइकिल से जल्दी तक ये तो उनकी गलती है ना फिर जब फाटक बंद है तो बंद पे ग्राउंड को निकालना ही नहीं चाहिए वो जबरदस्ती करते हैं डेली लोग की फाटका ने नीचे होते नीचे होके ऐसे ही निकलते हैं रुकते नहीं है कि जो देना रुकते नहीं है वो ऐसे कोई मानता ही नहीं है ये दिल्ली का काम है ये प्रशासन को चाहिए भी थोड़ी मुलाजमत की ड्यूटी लान ताकि लोगों मतलब थोड़ी बहुत समझ आवे जा चलान हो फिर ही है ना तो यहाँ पे पीसीआर को आना चाहिए जो गाड़ियों का टाइम होता है यहाँ पे रनिंग का इस सोल्यूशन को अगर आप सरकार के सामने पेश करते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो ये इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे तो हट जाएंगे जो भी फाटक बंद होता है ना उदो रोंग साइड बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और रोंग साइड इकट्ठे होने करके दूजे ऑपोजिट जो सामने आते हैं उदो करके ट्रैफिक जाम हो जाता है। सत श्री अकाल जी लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अज तुहानू रेलवे स्टेशन ते लैके आए हैं तुसीं देख सकते हो लोकी जिहड़े अपनी जान की परवाह किए बिना ही जिहड़े अपनी बाइक वर्कल हैगे आ थल्लों दी कढ़ के लैके जा रहे हैगे आ सो इन्हां नूं पता फाटक बंद भी कर दिए गए आ फिर भी यह जिहड़े हरकतां तों आवाज़ नहीं आते हैं लोगों नाल गलबात करदे आ तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच किद्दां लोकी थल्लों दी अपने वर्क कढ़ रहे आ थल्लों दी बाइक कढ़दी आ तुहानूं डर नहीं अरे डर गया फाटक बंद हो गया तुसीं थल्लों दी बाइक कढ़ के सारे जब कटते हैं हम तुसी थल्लो दी आए हो फाटक बंद है तो अपनी जान दी परवाह है तो जी अब निकल आए साइकिल से जल्दी था अगर उनको नहीं परवाह अगर कोई जाके खूह में गिर जाए तो अरे चलो सॉरी ते जड़े भैया ने फाटक बंद कर दे उन्हां नाल भी गलबात करांगे नमस्ते भैया नमस्ते की नाम है तेरा तेज राम भैया फाटक बंद कर दिए गए हैं तुहाडे वल्लों एक जड़ा व्यक्ति है बाइक ते है बीच फसिया होया है ते इत्थे काफी डेली लोग इदां ही बाइक नीचों दी ये तो उनकी गलती है ना फिर जब फाटक बंद है तो बंद पे ग्राउंड को निकालना ही नहीं चाहिए वो जबरदस्ती करते हैं डेली लोग की फाटक ने नीचे ऐसे ही नीचे होके ऐसे ही निकलते हैं रुकते नहीं है कि जो देना रुकते नहीं है वो ऐसे कोई मानता ही नहीं है जी। कोई नहीं रुकता है कितनी देर है पहला फाटक जो बंद कर पाँच सात मिनट पहले वार्निंग दी जाती है पर फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हाँ थले से ही निकल जाते हैं सो भैया ने सर मौजूद नमस्ते नमस्ते जी क्या नाम है ब्रह्म कुमार जी यहाँ पे डेली का काम है ये डेली का काम है जी ये प्रशासन को चाहिए भी थोड़ी मुलाजमत किसी ड्यूटी लान ताकि लोगों मतलब थोड़ी बहुत समझ आवे जा चलान हो फिर ही है ना जी वड्डा कोई हादसा भी इत्थे वापर सकदा है हाँ जी हाँ वापर दे भी है और वापर भी सकदा हाँ जी लोग थलों की जड़िया बाइकों तक कढ़ लेंदे आ बिल्कुल कटते हैं जी नहीं हटते हूँ कि लड़ी है हम गेटमैन भी कला बंदा किस ना लड़ेगा कई बार इदा होंगे साइकिल वाले तो निकल जाते पैदल व्यक्ति भी निकल जाते बाइक कई बार फस जाती है निकल नहीं पाती क्योंकि कुछ भी हो सकता जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी जो ट्रैफिक वाले बंदे हैं अगर वहाँ पे एक ट्रैफिक वाला बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए तो इनके चलान काटने चाहिए जो ऐसे करते हैं ये अपनी जान को सस्ता समझते हैं और जो अपनी जान को सस्ता समझते हैं उनको पता लगेगा जब उनकी जेब से पैसा जाएगा आज लोग पैसे को ज़्यादा महत्ता देते हैं अपनी जान को नहीं देते तो यहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस वाला एक एएसआई और एक जो उनके साथ जो उनका हेल्पर होता है कांस्टेबल होता है वो यहाँ खड़ा कर दो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा और उसको चलान उनका कटेगा जो पीसीआर है उनको यहाँ पर विजिट करना चाहिए वो पीसीआर वाले इतना तेल डलवाते कहाँ जाते हैं क्या कहाँ जो जहाँ पे आना होता है वहाँ तो आ नहीं पाते तो यहाँ पे पीसीआर को आना चाहिए जो गाड़ियों का टाइम होता है यहाँ पे रनिंग का इस सोल्यूशन को अगर आप सरकार के सामने पेश करते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो ये इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे तो हट जाएंगे क्योंकि काफ़ी व्यक्ति ऐसे थे जो कैमरे को देख के रुके नहीं तो देखिए जी आज कैमरे को देख कर नहीं हमने डरना कैमरा आपको कॉन्शियस करता है कैमरा आपको बताता है कि आप गलत कर रहे हो आज लोग जो है गलत करने की वजह से आज कैमरे से भी बचते हैं ये भी एक बड़ी बात है आपकी पर कैमरे से डरने की ज़रूरत नहीं कैमरा हर वक्त हमारे साथ नहीं रहेगा हमें खुद कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए अगर हम खुद कॉन्शियस नहीं होंगे तो इंसीडेंट होते रहेंगे मैं कहना चाहना भी ये जो भी फाटक बंद होता ना उदो रोंग साइड बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और रोंग साइड इकट्ठे होने करके दूजे ऑपोजिट जो सामने आते हैं उदो करके ट्रैफिक जाम हो जाता है
तो विचों सड़क क्रॉसिंग भी कर लेंगे ने फाटक बंद वो आप तो फसते फसते दूसरों भी परेशान कर देंगे ने फाटक के विचकार ना एक थोड़ा जहा खड्डा कर देना चाहिए जिस रोंग साइड परले पास इधर ना आ सके इधर उधर ना आ सके। मैं तो प्रशासन को बेनती करता वा भी ये जो ट्रैफिक की समस्या बहुत ही चिर दी चली आ रही है एक बंदा 15 मिनट तो 20 मिनट वेट करता इस फाटक का इसनों जे कोई लंघता टपदा है यदि कार्रवाई करनी चाहिए है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है जिस तरह जो कोई मौके पर मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर पार करता है उसे तो रोक के चलान किया जाए जो FIR की जाए वो कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों भी सबक हो काम मैं नहीं करना। सो जिहड़े इदां दे व्यक्ति हैगे आ जिथे फाटक लगे हुंदे आ सो मेरी यही उन्हां तो गुजारिश हैगी कि थलों दी अपनी जान नूं चौखे विच पा के फाटकां दे थलों ना निकलन क्योंकि उन्हां दे घर उन्हां दीआं जिहड़े परिवार हैगे उन्हां दी फैमिली उन्हां दी उड़ीक कर रही है। सो तुसीं देख रहे हो लुधियाणा लाइव मैं मनदीप कौर कैमरा परसन राहुल कश्यप दे नाल।